हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड डीजी क्लासेस। आज मैं आपको रिपब्लिक डे पे पैराग्राफ राइटिंग लेके आया हूँ। पैराग्राफ राइटिंग जो है हमारा आज होने वाला है, वो भी रिपब्लिक डे पे। तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यदि आप आज का क्लास मिस करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी इसके साथ में और भी आपके पैराग्राफ राइटिंग लाने वाला हूँ। और साथ ही मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये जो है आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। यदि आप क्लास 8 या फिर 9 या फिर 10 जिसमें भी हैं, और रिपब्लिक डे पे अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग पूछ देता है तो बिल्कुल एज इट इज़ आपको यही लिखना है, या तो साथ में आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको और भी चाहिए पैराग्राफ राइटिंग का, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से बाकी के पैराग्राफ राइटिंग जितने भी हैं वहाँ से आपको मिल सकता है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं कि जिसमें भी आपको चाहिए उसमें सर्च करके @ मेड डीजी क्लासेस में आप मारिएगा मेड डीजी क्लासेस करके, तो शायद आपको मिल जाए, है ना, जो भी चाहिए। और या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं जो भी पैराग्राफ राइटिंग आपको चाहिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से यदि नए हैं तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले क्या है, आपको रिपब्लिक डे पे हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद आप नीचे से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को बताना है कि ये कब से रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले उसका डेट डाल देते हैं, January 26 इज़ द रिपब्लिक डे ऑफ द इंडिया, है ना। हम लोग 26 जनवरी को ही मनाते हैं रिपब्लिक डे। दिस डे हैज़ अ स्पेशल इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑन दिस डे इन 1950 द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। द रिपब्लिक डे is one of the important national events. It is celebrated all over India and even in foreign country. ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि क्या है, foreign country में भी इसको मनाया जाता है, है ना। और साथ में celebrate किया जाता है। साथ में the one national flag is hoisted on all government buildings. In Delhi it is celebrated with more preparation. सबसे पहले क्या है, दिल्ली में ही झंडा लहराया जाता है ना, और सबसे ज़्यादा उसमें जो प्रिपरेशन किया जाता है वो दिल्ली में किया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली में, लेकिन खासकर दिल्ली में किया जाता है, क्योंकि दिल्ली क्या है, हम लोग का इंडिया का कैपिटल है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग। देयर इज ग्रेट जुबिलेशन एवरीवेयर। ऑन दिस डे वी प्लेस टू वर्क हार्ड फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। दिस फेस्टिवल रिमाइंड्स अस ऑफ द ग्रेट सेक्रीफाइस वी मेड फॉर इंडिपेंडेंस एंड कॉल अपॉन अस फॉर वर्क फॉर द फुलमेंट ऑफ द ड्रीम्स ऑफ आवर ग्रेट लीडर्स। साथ में आप इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं यदि आपके दिमाग में कुछ है। बाकी आप क्या है, इस वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। तो रिपब्लिक डे पे पैराग्राफ राइटिंग लिखना है, तो इतना काफ़ी है आपके लिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।